केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, पर एक योजना सरकारों ने लागू की है जिसका नाम है अन्न योजना, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति भूखा न रह जाए। और उस योजना पर कुछ सेल्समैन के पदों पर आसीन कर्मचारी भ्रष्टाचार करने पर इतना आमदा हो चुके हैं कि आम जनमानस तो दूर दिव्यांग को तक नहीं छोड़ रहे हैं। दिव्यांग जिसके दोनों हाथों में उंगलियां तक नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के सहारे जी रहा है। दिव्यांग को 2 महीने से राशन नहीं मिला है। जब मीडिया की टीम ने सेल्समैन महिला से बात करके मामले की जानकारी ली तो महिला बातें बनाने लगी, कभी राशन देने की तो कभी सर्वर धीमा होने की। दिव्यांग की पत्नी का कहना है कि कई बार फिंगर लगाने के बाद सर्वर खराब होने का बहाना कर राशन नहीं दिया जाता है और बाद में लेने जाओ तो मना कर देते हैं। इस दौरान मौके पर स्थानीय सरपंच समेत गांव के कई अन्य लोग इकट्ठा हो गए, दिव्यांग का समर्थन करने लगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी ही भोले भाले आदिवासियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। पुष्पराजगढ़ से ओमकार सिंह की रिपोर्ट। फिंगर लगाई थी? हाँ। क्या बोले मैडम ने? फिंगर अपडेट नहीं कराए तो नहीं देव कहे, केवाईसी कराओ कहे। केवाईसी कराओ। और अभी यहाँ पर कह रही थी कि हमने राशन दिया है। नहीं दिया है। तो मेरा यहाँ थोड़ी ना रहता है। राशन नहीं मिला पिछले बार से? नहीं मिला। और कितने बार से राशन नहीं मिला है? अगले महीने नहीं दिया है, भगा दिया है। अगले महीने नहीं दिया है। मेरे समझ से दोनों हाथ में विकलांग हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर भरोसा हूँ, उनके रिकॉर्ड बनाने पर भरोसा हूँ। मेरे को शासन जो लाभ दे रहा है वो लाभ नहीं मिल पा रहा है शासन से। सेल्समैन क्या कह रही है? सेल्समैन कह रहा है कि आप लोग केवाईसी कराओ, बच्चियों को नहीं मैं चावल नहीं दूंगा। करी है? हाँ किया है मैंने केवाईसी। कितने लोगों ने किया है? लिस्ट तो मैंने बनाया नहीं है, बट 75% हमने किया है। लिस्ट तो बना रहता है ना कि हमने इनके घर में गए थे, जानकारी लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है सर, हम पाखा टोला हो गया, लाहौरपुर हो गया, तुलरा, तीन पंचायत, तीन गांव है हमारे तुलरा पंचायत में, हमने तीनों जगह जाके केवाईसी। कितने लोगों की केवाईसी किया? आपके पास रिकॉर्ड होगा? सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आज हम लोग लेके नहीं आए हैं। रिकॉर्ड बताने से जनता इतनी परेशान है, ये कहती है हम ग्राम पंचायत से तो सबके नाम जोड़ दिए, हमारे सूची लिस्ट में सबका दिख रहे हैं, आईडी भी दिख रही है ना। और ये कहती है कि मैं इसका नाम काट दिए, जोड़ दिए, और फिर उसमें जब चेक कराते हैं हम आईडी को, मैन आईडी को, तो वहाँ पे पूरे चावल भुगतान दिखा देती है।